वर्चुअल असिस्टेंट जो है ये बेसिकली आप समझ लीजिए कि अमेज़ॉन के लिए जब आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको एक टेक्निकल बंदा चाहिए। अब हर कारोबारी आदमी खुद से वो टेक्निकलिटीज़ जो है वो मैनेज नहीं कर सकता, और जो लोग कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करते हैं, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, जो अमेज़ॉन के बारे में चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरह से काम हो सकता है, वो सारी अपनी सर्विसेज उन कारोबारी लोगों को प्रोवाइड करेंगे जो के बिजनेस में हैं और जो अपना काम अमेज़ॉन पे शिफ्ट करना चाहते हैं, जो अपनी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे बेचना चाहते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो अमेज़ॉन के अंदर जो वर्चुअल असिस्टेंट है, ये कारोबारी आदमी का एक असिस्टेंट होगा, जितना भी टेक्निकल काम होगा ये वो परफॉर्म कर रहा होगा। तो बिजनेसमैन की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर, इसलिए पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में लोग वर्चुअल असिस्टेंट को ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो अमेज़ॉन को अंडरस्टैंड करता हो, जो अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड करता हो, ताकि वो बिज़नेस में हेल्प करे। और ये बहुत बड़ी एक लुक्रेटिव ऑप्शन है कि अगर आप एक वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग ले लेते हैं, आप इन चीज़ों को सीख लेते हैं, तो आप अपने घर में बैठे हुए ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए लाखों रुपया कमा सकते हैं।